मैं दुनिया दा ओ बद नसीब इंसान हाँ जिन्हें अपनी मां दे चेहरे ते जुत्ती मारी है। मैं ना एक दिन रात अपने जवाना दे नाल सहन में तो वापस आया, मेरी मां ने मैनू बोलना शुरू कर दिता, कहन लगी पुत्र मैं तेरी खातर की कीता है, मैं तेरी खातर अज तक मेहनत मजदूरिया करके तेनू पालिया, अज तू जवाना दे पिछे लग अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद करी जाना है। कहन लगा कारी साहब नू गुस्सा आया, मैं मां दा जूता उठा करके मां दे चेहरे ते मार दिता। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مختصر حمد و ثنا
दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुल मुर्शिदीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ذاتی اقدس و اطہر و اعلی اور والا واسطے حضرات ذی وقار اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلات والسلام 40 سال دی عمر دے اندر نبوت و ختم نبوت دا تاج پہنایا اور 23 سال आप अली सलातु वस्सलाम ते बतदरीजन वही दा नुज़ूल होया वक्तन फवक्तन जिस तरह जरूरत पेश आई जो जो मामलात चले उदे मुताबक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही दा नुज़ूल फरमाया और वही दे नुज़ूल दे अंदर दो हिस्से बंदे ने नबी पाक अली सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे एक मक्की जिंदगी और दूसरी मदनी जिंदगी और नबी अली सलातु वस्सलाम जदों आपने आखिरी हज और हज दे दीगर अरकान नु आपने बुरे कार लेके आंदा है ओ वक्त नौ ज़िलहज दा और 11 हिजरी दे अंदर अल्लाह ताला ने नबी पाक अली सलातु वस्सलाम ते आखरी वही नु नाज़िल फरमाया फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना सोनिया आज दे दिन असी तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता यौम अरफा मैदान अरफात दे अंदर नबी पाक अली सलातु सलाम ने इस आयत मुबारक नु पढ़िया मुफस्सरीन फरमांदे ने नबी पाक अली सलाम ने हज तो पहला ऐलान किया मुसनद अहमद के अंदर रिवायत है आपने फरमाया मेरे सहाबा लोगों जमा करो दीगर लोगों ने ऐलानात किए दीगर कबायल की तरफ पैगाम भेजे इलाके दर इलाके जोग दर जोग लोग जमा हुए मुफस्सरीन फरमाते ने सवा लख के करीब या 1,44,000 नबी दे सहाबा उस वक्त मौजूद थे जिहड़ा नबी पाक अली सलातु सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया मीडिया दा दौर नहीं नेट दा दौर नहीं स्पीकरां दा दौर नहीं लेकिन इस दे बावजूद 1,44,000 दा एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर उस दे अंदर नबी पाक अली सलातु सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया और नबी पाक अली सलाम इस खुतबा हज्जतुल विदा दे अंदर एक जुमले नू तीन तीन दफा दोहरान दे आप सज्जे मुंह करके आप एक जुमला दोहरान दे और सज्जे जेड़ा बंदा जित्थों तक आवाज जांदी वो मुकब्बर एक खड़ा हुंदा वो सुन के पीछे तक आवाज पहुंचांदा फिर आप सामने अपना चेहरा अनवर कर दे आप आवाज दिंदे पैगाम दिंदे तो ओ सहाबी सामने खड़ा मुकब्बर ओ पीछे तक आवाज पहुंचांदा इसे तरह सज्जे एक जुमले नू आप सज्जे भी बोल दे सामने बोल दे खबे बोल दे ते मुकब्बरीन लोग जेड़े सन ओ पीछे तक आवाज पहुंचांदे इस कदर नबी अली सलातु सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा दा एहतमाम कीता और खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा के नबी पाक अली सलातु वस्सलाम ने सहाबा नु फरमाया मेरे सहाबा क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दीन तुहाडे तक मुकम्मल पहुंचाया के नहीं पहुंचाया सारे सहाबा इकराम ने बयक जुबान आख्या सोनिया जो अल्लाह ने तुहाडे तक पैगाम दिता
तुसी उस पैगाम नू साडे तक मिन वान पहुंचा दिता। जो नबी पाक अली सलातु सलाम ने तिना तरफे मुंह करके ये जुमला किया, सिहाबा ने बयाक आवाज जुबान दे अंदर इक्को जुमला किया, सोनिया तुसी पहुंचा दिता है पैगाम जो अल्लाह ने दिता। तो फिर नबी पाक अली सलातु सलाम ने आसमान वल मुंह उठाया, आपने फरमाया अल्लाह तू भी गवाह बन जा कि मैं तेरे दीन नु मिन वान उसे तरह पहुंचाया जिस तरह तू पैगाम देता। तो आइए दरा उस खुतबा मसनूना दे अंदर नबी पाक ने बयान की कीता। उदे अंदर नबी पाक अली सलातु सलाम ने बड़े मकासद बड़े अहम नुकात जिक्र किए, और अगर उन्होंने बयान किया जाए तो काफी वक्त दरकार है। अगर सिर्फ मोटे मोटे जुमले बयान किए जाए तो एक खुतबे के अंदर बयान नहीं हो सकते, और अगर उसकी तफसील बयान की जाए तो फिर तो मुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उस खुतबा हज्जतुल विदा के अंदरों सिर्फ पांच पॉइंट जिक्र करांगा, पांच अहम नुकात जिक्र करांगा, ताकि सानू समझ आ जाए कि अल्लाह के रसूल अली सलाम दा खुतबा देन दा मकसद की सी। इस खुतबा हज्जतुल विदा नू खुतबतुल बलागा भी किया जाता है। इस कदर जामे कलिमात, इस कदर फसाहो तो बलागत दे अंदर ए भरिया खुतबा नबी पाक अली सलातु व सलाम ने जो इरशाद फरमाया उदे अंदर सानू सबक की मिलदा है, और मौजूदा दौर जड़ा गुजर रहा है इदे अंदर उस खुतबे दा जड़ा अहम सबक है वो सबक की है। आइए जरा गौर करना, तवज्जो करना, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे उदते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे जोर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम मैदानी अरफात दे अंदर तशरीफ फरमाने, आसमान तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन नु भेजिया, फरमाया सोनिया चल साडा पैगाम लेके चलना। हजरत जिब्रील आए ने पैगाम की लेकर के आए ने अल्लाह दा कुरान छिमां बारा सूरा अल माईदा दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। फरमाया कायनात दे लोगो ए मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, आज दे दिन असी तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता, आज दे दिन असी तुहाडे ते अपनियां नेमतां नूं मुकम्मल कर दिता। सोनिया तुसी भी ते दीगर लोग भी इस दीन दे उपर राजी हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह खुदाला अन्हो आयत मुबारक सुनिए, नबी पाक ने जनाब आयत मुबारक पढ़ के सुनाइए। हजरात दरा तवज्जो करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह खुदाला अन्हो आयत मुबारक सुनी ते रोन लग पैने। लोग कहंदे ने बाबा तेनू की बन गया, अल्लाह दे पैगंबर ते दीन मुकम्मल होया, अज ते खुशी दा दिन है। कोई जनाब किसे नू मुबारक दिंदा पिए, कोई किसे नू मुबारक देई जांदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक जगह ते बह के रोई जांदे ने। लोग कहंदे ने बाबा तेनू की होया एवें रोई जांदा है, अज ते खुशी दा दिन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने लोगो खुशी दा दिन तुहाडे वास्ते होएगा, लेकिन जो मैं अबू बकर सिद्दीक नू गल समझ आईए अल्लाह दी कसम तुहानू समझ नहीं आई। मैं कुर्बान जावां अबू बकर सिद्दीक दी फसाहत तो बलागत ते, मैं कुर्बान जावां अबू बकर दी जहानत तो, मैं कुर्बान जावां
जावा अबू बकर दी वकाहत तो मैं कुर्बान जावा अबू बकर सिद्दीक दी सोच तो। फरमाते ने लोगो तुसी ते मुबारक दें दे ओ मैं अबू बकर सिद्दीक की क्या नवा गल सुनो ना। हज जो तीन मुकम्मल होया मैं मानना खुशी दा देने मैं मानना बड़ा अल्लाह देने मैं मानना अज दा दिन बड़ा अजीम है। लेकिन गल सुनो ना आज तो पहला जो भी जनाब को मसला पेश आता जो भी कोई इख्तलाफ हो जाता जो कोई झगड़ा हो जाता अल्लाह दे पैगंबर दे गुलाम दे अल्लाह दे पैगंबर आसमान वाल अपना चेहरा उठा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत वही दा नुजूर फरमा दें दे। पहले जिबरील आ जाता मसले का हल हो जाता। ओए कायनात दे लोगो गल सुनो ना अज दा दिन ओ दिन मैं अबू बकर सिद्दीक तारो रिया वा अज तो पहले मसला पेश आता ते जिबरील आ जांदे अज तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिबरील नू नहीं कलाना मैं जिबरील दे जमीन ते नाम दी वजह तो गम ज़्यादा वा। अज तो बाद जिबरील जमीन ते नहीं आएगा अज तो बाद कोई मसला जमीन ते नहीं आएगा अज तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दी वही दा नुज़ूल बंद हो जाएगा। ते दूसरी गल ते तवज्जो करना फरमाया लोगो जो जिस पैगंबर ते वही दा नुज़ूल हुंदा है ना जो दे शरीयत मुकम्मल हो जाती है उत नबी दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने उहदियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने उहदियां जरूरतां मुक जांदियां ने अन करीब फिर वो पैगंबर इस दुनिया तो चला जांदा है। सहाबा कहंदे ने सानू गल हले भी समझ नहीं आई लेकिन वो वक्त जो 12 रबी उल अव्वल का दिन आया अल्लाह दे पैगंबर इस दुनिया तो चले गए ते सानू उदो समझ आईए वाह अबू बकर तेरी अजमत तो कुर्बान जाइए वाह अबू बकर तेरी फकाहत तो कुर्बान जाइए अज तो जनाब 3-4 महीने पहले तू सानू इशारे दे दिते सन हजरत अबू बकर सिद्दीक ओ अबू बकर सिद्दीक अज उस अबू बकर सिद्दीक ते लोग तबर्रा करदे ने। मैं कहना लोगो अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा अबू बकर सिद्दीक ते अबू बकर अंबिया तो बाद सब तो अफजल अबू बकर सिद्दीक अंबिया तो बाद सब तो ज्यादा जखानत वाला अबू बकर सिद्दीक अंबिया तो बाद सब तो ज्यादा फकाखत वाला अबू बकर सिद्दीक सब तो ज्यादा सोच रखने वाला अबू बकर सिद्दीक सब तो ज्यादा दीन नु समझन वाला अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर सिद्दीक जिन्ने मेरे पैगंबर दा हर लम्हे ते साथ दिता अबू बकर सिद्दीक अबू बकर मेरे पैगंबर फरमाते ने सोनिया अल्लाह ने खिजर दा हुक्म दे दिता है। फरमाया सोनिया मेरे वास्ते की हुक्म है फरमाया अबू बकर अल्लाह ने तेरा नाम लेकर किया कि अबू बकर नो नाम लेके जाया जे अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने सोनिया मेरी जान भी खादरे मां नु छड़ दिता है बाप नु छड़ दिता है बीवी नु छड़ दिता है बच्चे छड़ दिते ने। फरमाया सोनिया जिते तुहाडा इशारा हो जाएगा अबू बकर सिद्दीक उत्थे अपनी जान कुर्बान कर छड़ेगा। अल्लाह अकबर लाला कौन अबू बकर सिद्दीक मैं ते फिर मोहब्बत दा तराना इंज बोलना मेरा ते ईमान गल कहंदा है ना। अल्लाह अकबर लाला अव्वल अव्वल इस्लाम ते ईमान सिद्दीक दाए उच्चा अरफा आला शान सिद्दीक दाए। अल्लाह लाला अव्वल अव्वल इस्लाम ते ईमान सिद्दीक दाए उच्चा अरफा आला शान सिद्दीक दाए। ओए बंगी चरसी ओए बंगी चरसी बावे सिद्दीक तो सड़ देखन बंगी चरसी बावे सिद्दीक तो सड़ देखन पा
हक रसूल ते रब रहमान सिद्दीक दाए ओए बंगी चरसी बावे सिद्दीक तो सड़ देख पाक रसूल ते रब रहमान सिद्दीक दाए उच्चा अरफा आला शान सिद्दीक दाए अव्वल अव्वल इस्लाम ते ईमान सिद्दीक दाए रात वेखो रात वेखो जाके हिजरत दी रात वेखो जाके हिजरत दी नाल नबी ते हर हर आन सिद्दीक दाए एक एक कदम सिद्दीक ने नाल चलिया अल्लाह लाला रातों वेख जाके हिजरत दी नाल नबी ते हर हर आन सिद्दीक दाए उच्चा अरफा आला शान सिद्दीक दाए अव्वल अव्वल इस्लाम ते ईमान सिद्दीक दाए शेरे खुदानो शेरे खुदानो आप सवा के बिस्तर ते शेरे खुदानो आप सवा के बिस्तर ते अरबी साई खुद मेहमान सिद्दीक दाए शेरे खुदानो आप सवा के बिस्तर ते अरबी साई आप मेहमान सिद्दीक दाए उच्चा अरफा आला शान सिद्दीक दाए अव्वल अव्वल इस्लाम ते ईमान सिद्दीक दाए अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान बयान कर दे अल्लाह फरमांदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना अल्लाह फरमांदे ने सोनिया असी अज दे दिन तुहाडा दीन तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता है जेड़ा बंदा अज तो बाद दीन दे अंदर वादा करेगा जेड़ा बंदा अज तो बाद दीन अंदर घाटा करेगा फरमाया सी उस बंदे दा अमल कबूल नहीं करना अज लोग कहंदे ने यार हरज की है आ तेनू हरज दसा लोग कहंदे यार नमाज तो बाद हत्थ चुक के दुआ करिए जनाजे तो बाद हत्थ चुक करके दुआ करिए हरज की मुकम्मल कर दिता 1400 साल 1400 साल पहला अल्लाह ने मैदान अरफात आयत नाजिल करके दीन नु मुकम्मल कर दिता ते जेड़ा बंदा अज दीन दे अंदर वादा करेगा अज दीन दे अंदर कमी करेगा अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा फरमान सुन लो ना सही मुस्लिम दे अंदर मेरे पैगंबर फरमांदे ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा दीन दे अंदर वादा करदा है अपने अल्लो इजाफा करदा है अपने अल्लो कमी कर जांदा है किते वधाई जांदा है किथे कटाई जांदा है अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने लोगो अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने फहुवा रद्दुन उस बंदे दा अमल कबूल नहीं होएगा लोग कहंदे जी हरज किथे लिखिया है लोग कहंदे जी मना किथे लिखिया है ओ वीर सुनिया गल तेनू समझावा मिसाल दे करके ओ मैं कहना पुत्र गल सुनना मैं अपने शागिर्द नु को गल कहना वा मैं कहना बेटा कम इंज नहीं करना ते दूसरी गल मैं कहना पुत्र गल सुनना अगर इंज कर भी लिया मैं तेरा अमल कबूल
नहीं करना। होर आसान मिसाल समझावा, बच्चा पेपर देने वास्ते बैठा है ना पेपर सेंटर दे अंदर, पांच सवाल सात सवाल आए ने, एक सवाल उस्ताद ने दिता है, पुत्र सवाल का जवाब बिल्कुल किताब के मुताबिक देना है, उस तरह देना है जिस तरह किताब के उपर लिखी है। ते गल सुन पुत्र, अगर सवाल का जवाब अगर किताब के मुताबिक नहीं लिखेगा, लिख भी देगा किताब के मुताबिक नहीं होएगा तो मैं कबूल नहीं करांगा। अल्लाह के पैगंबर ने भी यही फरमा दिता है, फरमाया लोगो एक ते मैं तुहानू मना कर दिता है, ते दूसरी गल सुन लो अगर कर भी लिया अपनी मर्जी नाल, बरकत समझ के कीता, इसाल समझ के कीता, मन मर्जी कीती, अगर कर भी लोगे ते अल्लाह फरमा देने मैं कबूल ही नहीं करना। जो नबी पाक ने कह दिता है कि तेरा अमल कर भी ले ता भी कबूल नहीं करना, फिर भी कहना जी बरकत वास्ते, फिर भी कहना जी हर्ज किथे लिखिया है, फिर भी तू सवाल करना मना किथे लिखिया, वो यही मना लिखिया है। नबी पाक ने फरमाया कर भी लेगा तो अल्लाह ने कबूल ही नहीं करना, यही तो मना लिखिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेजी वकार हले भी नहीं समझ आई। आप तेन हदीस पाक सुनावा, सैयद बुखारी दे अंदर आंदा है, नबी पाक फरमांदे ने फरमाया लोगो कल कयामत दा दिन होएगा, मैं जनाब दे कौसर ते खड़ा खोवांगा, दुआ करिया करना अल्लाह सानू पैगंबर दे थों दे कौसर दा जाम नसीब फरमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह वीर सुनया जदों कोई कम नहीं आएगा उत्थे मेरा पैगंबर काम आएगा। अल्लाह अकबर, लज्जतों तीन गशन दे सवाल होंगे, हमी साडे आमना दे लाल होंगे, जदों तीन गशन दे सवाल होंगे, हमी साडे आमना दे लाल होंगे, जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी, जन्नतां नू जावेगी सवारी आप दी, नाल नाल मदनी दे ए यार होंगे, हमी साडे आमना दे लाल होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह नबी पाक फरमांदे ने मैं हज कौसर दिखड़ावांगा, कुछ लोग आनगे, मैं उन्होंने अपने जामे अपने प्यारे रुखस अपने नरमो नाजक कथा दे नाल जामे कौसर पिलावांगा, किसी नूं मैं प्याले नाल जामे कौसर पिलावांगा, मेरे सज्जे सिद्दीक होएगा खब्बे फारूक होएगा, किसी नूं सिद्दीक पानी पिलाएगा किसी नूं फारूक पानी पिलाएगा, एक करोड़ दूरों आएगा नबी पाक फरमांदे ने मैं दूरों ग्रोह नूं वेख लवांगा, आका फरमांदे ने गुर्रन मुअज्जलीन पंज कल्याण चमकदे होणगे, वुज़ू दे पंज आसार चमकदे होणगे, दोनों हाथ चमकदे होणगे, चेहरा बड़ा नूरानी होएगा, चेहरा भी चौदवी दे चंद दी तरह चमकदा होएगा, पाँव भी चमकदे होणगे। नबी पाक फरमांदे ने ग्रोह करीब आ जाएगा, जिदों मेरे करीब आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान तो दीवार कायल कर देगा, दीवार हायल कर देगा, एक पास मैं रह जावांगा, एक पास मेरी उम्मत खड़ी होएगी। आका फरमांदे ने मैं रब्बे कायनात नूं कहांगा, अल्लाह ते मेरे उम्मती ने अल्लाह इन्ना दे ते मेरे दरमियान दीवार क्यों आ गई है। आका फरमांदे ने मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोलों सवाल करांगा, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह जवाब देंगे, सोनिया है ते तेरी उम्मत दे लोग ने, है ते माजी ने, है ते तहज्जुद गुजार ने, है ते रोजियां दे पाबंद ने, है ते नफली फर्जी ज़कात देन वाले ने, लेकिन सोनिया जिते नमाज़ां पांच पढ़दे सन, जिते रोजे नफली फर्जी नफली रखदे सन, जिते फर्जी कज करदे सन, जिते नफली उमरे करदे सन, लेकिन उत्थे सारे अमलां दे नाल सोनिया ओ बदनसीब लोग ने जिन्हां ने तेरे दीन दे अंदर वादा कीता, जिन्हां ने तेरे दीन दे अंदर काटा कीता, अपनी मर्जी नाल वधाई गए ने, अपनी मर्जी नाल कटाई गए ने। नबी पाक फरमांदे ने मैं अल्लाह दा जवाब सुन करके गवांगा,
सोकन 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 अल्लाह से बदनसीबा नु मैं मुहम्मद तो दूर कर दे। इना बदनसीबा दा मैं चेहरा भी वेखना गवारा नहीं करांगा। नबी पाक फरमांदे ने मैं चेहरा वेखना भी गवारा नहीं करांगा। ते अज लोग कहंदे जी हर्ज किथे लिखया है? ऐ हर्ज लिखया है, ऐ मना लिखया है। ओ तेरा चेहरा नबी पाक कियामत नु नहीं वेखणगे ते दिखाना किनू है? दादी मां नु, दादी मां नु, दादे प्यो नु दिखाना जाके चेहरा। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा दीन दे अंदर वादा घाटा करेगा, ए मेरे पैगंबर दा खुतबा हज्जतुल विदा दा पैगाम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगो अल्लाह ने तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है। जेड़ा बंदा दे अंदर वादा करेगा एदे अंदर घाटा करेगा। फरमाया कयामत वाले दिन दुनिया दे अंदर अल्लाह ने गारंटी दे दीती है, फाहुबा रद्दुन अमल कबूल नहीं होएगा। कयामत दा दिन होए मेरे पैगंबर फरमांदे ने आके मैं दफा कर देंगा, मैं इन्हां दा चेहरा नहीं वेखांगा। दस हुण केड़ा तू अमल करेगा? ताई तो मैं जनाब तेनू समझाना ना सोनिया, दीन दे अंदर वादे काटे ना करया कर। अल्लाह अकबर लाला दराब ते दीवाकार इते गल्ला रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक अंदर कहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया लोगो अज दे दिन तुहाडा दीन तुहाडे मुकम्मल कर दिता है। हजरात पहला पैगाम मेरे पैगंबर दा खुतबा जतुल विदा दा पहला पैगाम ते दूसरा सुन लेना। मेरे जरदूसा दे पीरो मुर्शिद दा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमांदे ने फरमाया या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिदुन अला इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व इन्ना आबाकुम वाहिदुन अला ला फजला लिअरबियन वला अला आजमियन वला आजमियन वला अला अरबियन वला अहमरा अला सवादा। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने लोगो ओ दुनिया दे लोगो गल सुनया जे, ओ वहाबियो तां भी सुन लवो, ओ देवबंदियो तां भी सुन लवो, ओ बरेलवियो तां भी सुन लवो, ओ शिया जे तां भी सुन लवो, ओ गैर मुस्लिम जे तां भी सुन लवो, मुसलमान जे तां भी सुन लवो, हिंदू मत तां भी सुन लवो, बुद्ध मत तां भी सुन लवो। फरमाया लोगो इन्ना रब्बकुम वाहिद दोनों तुहाडा रब कोई है, अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। धियां देन वाला भी मेरा परवरदिगार है, पुत्र देन वाला भी मेरा परवरदिगार है, जमीन का निजाम चलान वाला मेरा परवरदिगार है, आसमान का निजाम चलान वाला मेरा परवरदिगार है, सितारे बनान वाला मेरा परवरदिगार है, सूरज चन्न बनान वाला मेरा परवरदिगार है, सूरज नु रोशनियां ता करन वाला मेरा परवरदिगार है, चन्न रोशनियां ता करन वाला मेरा परवरदिगार है, जमीन दे अंदर पानी चलान वाला मेरा परवरदिगार है, पानी दे ऊपर जमीन खड़ी करन वाला मेरा परवरदिगार है। फरमाया अला इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, ओ लोगो रब तो इलावा इलाह कोई नहीं, रब तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। ते दूसरी गल सुन लो व इन्ना वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिदुकुम, ओ लोगो तुहाडा बाप भी कोई है, तुहाडी मां भी कोई है, अब्बा अजरब हजरत आदम पैगंबर तुहाडा बाप इको ही है, अम्मा खब्बा तुहाडी मां इको ही है। ते लोगो गल सुनो अला ला फजला लिया रबी जनाला आजमी जन, किसे अरबी नु किसे अजमी ते कोई फजीलत नहीं, किसे अजमी नु किसे अरबी ते कोई फजीलत नहीं, किसे काले नु किसे गोरे ते कोई फजीलत नहीं, किसे गोरे नु किसे काले ते कोई फजीलत नहीं, फजीलत ते कोई गल ते वे इल्ला बित तकवे ते फजीलत। जड़ा बंदा मुत्तकी होएगा ओ बंदा अफजल होएगा।
जड़ा बंदा परहेजगार होएगा वो अल्लाह दे मुकाम वाला होएगा। रंगा ते किसे नु कोई मान नहीं, रंगा ते किसे नु कोई फखर नहीं करना चाहिदा। ओ लोगो अज मैं पैगाम देना वा, अज तेरे माशरे दे अंदर एक ऐसा नासूर फैल चुका है, तेरे माशरे दे अंदर एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है। लोग अपने रंगा ते मान करते ने, लोग अपने रंगा ते फखर करते ने। मैं बड़ा सोना तेरा रंग काला है, मैं बड़े उच्च नसब का मालिक आ, तू घटिया नसब का मालिक है। मेरा खानदान बड़ा उच्चा, तेरा खानदान घटिया। मैं बड़े आला नसब का मालिक आ, तू घटिया नसब का मालिक है। मेरा रंग सोना तेरा रंग काला, मैं तेरे नालों अफजल हां। ओए वीर सोनिया क्यों तेनू पैगाम भुल गया मेरे पैगंबर दा, तेनू मेरे पैगंबर के नाम से कूडे ते करने याद आ गए ने, तेनू मेरे पैगंबर के नाम से बारवियां ते खानियां याद आ गई ने, तेनू मेरे पैगंबर के नाम से नवियां ते खानियां आ गई ने, तेनू मेरे पैगंबर का पैगाम क्यों नहीं याद आया। मेरे पैगंबर फरमांदे ने किसे बंदे नू किसे ते कोई फजीलत नहीं, आ तेनू फजीलत वखावां इला बितकवा। तकवे ते फजीलत ते रंग काला मैं कुर्बान दवा बिला तेरी अजमत, रंग काला है हसबो नसब बड़ा कमजोर है। आप भी गुलाम है, बाप भी गुलाम है, मां भी गुलाम है, गुलामी दर गुलामी जिंदगी बसर करते ने। लेकिन बिलाल रंग नहीं रब ने वेख्या, बिलाल का चेहरा नहीं वेख्या, बिलाल का तकवा वेख्या। बिलाल चलता जमीन ते वे अल्लाह दी जन्नत अंदर बिलाल दे पैरां दी हटांदी है। अल्लाह अकबर अल्लाह कौन बिलाल है। हबशो आई शान तक ले, हबशो आई शान तक ले, ढोलिया नहीं ईमान तक ले। हबशो आई शान तक ले, ढोलिया नहीं ईमान तक ले, काबे ऊपर अजान तक ले। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर, आका पुछ दे जन्नत दे अंदर, ए टुरदा कौर कौन पिया, टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया, टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया। काले रंग विच जमाल तकिया, काले रंग नु और रंगा नु नहीं वेखदा, अल्लाह दी कसम रब ते तकवे नु वेखदा। ए वेख रंग काला है लेकिन बिलाल एडा सोहना है। अल्लाह अकबर लाला, काले रंग विच जमाल तके है, जिसने सोना बिलाल तके है। काले रंग विच जमाल तके है, जिसने सोना बिलाल तके है। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर, आका पुछ दे जन्नत दे अंदर, ए टुरदा कौन पिया, टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया। अल्लाह अकबर लाला, हजरात दीवा कर रंगा ते कोई फजीलत नहीं। आ तेनू एक सोना वखावा, है बड़ा सोना है, रंग बड़ा प्यारा। अल बिदाया व नियाया दे अंदर हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्ला फरमांदे ने, रंग बड़ा सोना लोग इनू लहव कहंदे ने। लहव दा माना अग दा शोला, अग दा शोला जदों आसमान वल जाए ना बड़ा खूबसूरत नजर आ, बड़ा प्यारा नजर आंदा है। लेकिन रंग सोना है गा दिल बड़ा गंदा है, दिल के अंदर बड़ियां नफरतां ने, दिल के अंदर बड़ियां दातां ने, दिल के अंदर मेरे पैगंबर दा बुगद लई फिरदा, दिल के अंदर सियापा दा बुगद लई फिरदा। दिल गंदा, रंग बड़ा सोना लेकिन अल्लाह नूं चंगा नहीं लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीमारी पा दित्ती है। हजरत इमाम इब्न कसीर फरमांदे ने 7 दिन बीमारी दे अंदर मुब्तला रहा, इन्नी तौं दी बीमारी फैल चुकी है, सारे जिस्म के अंदर बदबू आती है, सारे जिस्म के अंदर ताफन फैल चुकी है, सारे जिस्म के अंदर ये कीड़े पै गए हैं, एडी गंदी बीमारी लग गई है। अज मरिया पिया है, ओ लोगो गल सुनना, लोग रंगा ते मान करते ने। मैं कहना सोनिया रंग ते तेरा मट्टी के अंदर मिल जाएगा, रंग ते तेरा कबर के अंदर मट्टी नाल मट्टी हो जाएगा, वो चेहरा तेरा ते मट्टी नाल मट्टी हो जाएगा।
करेगा। अल्लाह की कसम है ते साइंसी तकी पढ़ के अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए ने। साइंस कहती है लोगो ये जो तेरा चेहरा जिस चेहरे ते तू अजमान करना है, जो चेहरा तेरा कबर के अंदर लिटा दिता जाएगा, जो तेरा जिसम कबर के अंदर रख दिता जाएगा 24 घंटे बाद और लोग उधरा दिल ते हाथ रख के सोचे आजे वो किस रंग ते तुसी मान कर दे हो, किस रंग ते तुसी फखर कर दे हो, वो किस रंग ते तुसी तकबर कर दे नजर आंदे हो, वो किस जिसम ते तुसी तकबर कर दे हो, वो जेड़ा जिसम मिना खलकनाकुम वफीगा नुईदुकुम वमिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, ये मिट्टी तो बनिया ये मिट्टी दे अंदर चला जाएगा। साइंसदान फरमांदे ने और साइंसदान दी तकीक वे फरमांदे ने जदों बंदे नु कबर दे अंदर लिटा दिता जांदा है ना, कबर दे अंदर लिटाण तो 24 घंटे बाद इंसान दे जिस्म अंदर कीड़े फैलने शुरू हो जांदे ने। वो कीड़े इंसान दे पखाने वाले राह तो बाहर निकलदे ने, दूसरे कीड़ियां नु आवाज दिंदे ने। 3 दिन तो बाद इंसान जदों कबर दे अंदर लेटिया होया ना, 3 दिन तो बाद इंसान का नक खत्म हो जाता है, इंसान के टेले खत्म हो जाते हैं। जनाब 7 दिन तो बाद इंसान के जिसम के अंदर सारे जिसम के अंदर बदबू फैलनी शुरू हो जाती है। साइंसदान कहते हैं कब्र के अंदर बंदा जो जाता है ना, 9 दिन तो बाद इंसान के नाखन गिरना शुरू हो जाते हैं, 17 दिन तो बाद इंसान के वाल भी जड़ना शुरू हो जाते हैं, जनाब 1 महीने तो बाद इंसान के जिसम का गोश्त भी जनाब कटना शुरू हो जाता है, 90 दिन तो बाद इंसान का जिसम बिल्कुल इंसान के जिसम से 1 बोटी तक बाकी नहीं रहती। वो जिस बोटियां ते तू अज मान करना है, वो जिस हुस्म से तू मान करना है, कब्र के अंदर जा करके 90 दिन तो बाद तेरे जिसम से गोश्त नहीं होएगा। साइंसदान फरमाते ने जो 1 साल गुजर जाएगा इस बंदे दियां हड्डियां बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगियां, 1 साल तो बाद ना एदियां हड्डियां भी बुसीदा हो जाएंगियां, तो बंदा मिट्टी नाल मिट्टी हो जाएगा, बंदे दा नामो निशान मिट जाएगा। वो कल तक लोग तेनू जवान कहते सन, कल तक लोग तेरे ते मान बड़ा करते सन, लेकिन अज वीर सुनिया जो कब्र के अंदर गया है ते अल्लाह की कसम तेरा जिसम ही सलामत नहीं रहा। वो क्यों जनाब तकबर करी जाने इस जिसम के उपर, क्यों मान करना है इस जिसम से, वो याद करया कर उस कब्र की काली कब उस कब्र की काली रात नु भी याद कर लिया कर, कदिए भी बह के सोचाई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है, कदिए भी बह के सोचाई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है, कुल्लू मना लिया फान वाली, कुल्लू मना लिया फान वाली, गल जेन तेरे तो ले गई है, ओ कोई करन वाला कम कर दू, ओ जवाना क्यों मान करने अपने रंग ते, कोई करन वाला कम कर दू, ओ जिस गले आई उस दी शर्म कर दू, कुल्लू मना लिया फान वाली, गल जेन तेरे तो ले गई है। अल्लाह अकबर लादरात दीवा कर, रंग ते मान न गरिया कर, अपने रंग ते गुरूर न गरिया कर, आवे के गुरूर दा भरिया बोला खबे, जिसम के अंदर बीमारियां फैल गई ने, जिसम के अंदर ताफन पै गया ते इन्नी गंदी बीमारी है, ते बीमारी अंदर मर गया ते मैयत घर दे अंदर पई है, जिसम के अंदरों बदबूआं निकल दिया पईआं ने, जिसम के अंदरों कीड़े निकलते पै ने, लोग कहंदे ने चुको बाबे नूं ते चुक करके कब्रस्तान लै जाओ, चुको ना चलाक जा कब्रस्तान दफन करके आ जाओ। ओए ओ पुत्र जड़े कल अपने बाप की दौलत ते ना तकबर करदे सन, अपने बाप की दौलत त्याग करके अपने बाप दे नसब त्याग करके मेरे पैगंबर नूं बुरा क्यों करदे सन, अज पुत्र भी अपने बाप के करीब नहीं जाते, कहते सानू अपने बाप तो नफरत हो गई है, सानू अपने बाप तो इन्नी
नफरत है, असी अपने बाप के करीब भी नहीं जाना चाहते। मुफस्सरीन फरमाते ने इंज चूड़िया मंगवाया, रस्सियां लत्तां दे अंदर पवा करके कसीड करके एक गंदे गटर दे अंदर सुट दिता, ते गंदे गटर दे अंदर सुटन तो दो दिन बाद पूरे मक्के दे अंदर बदबूआं फैल गईआं ने, ते पुत्र आए ने। ओ जिहड़े पुत्र काले दे खुसम ते बड़ा मान करदे सन, ओ जिहड़े पुत्र काले दे जनाब दौलतां ते बड़ा मान करदे सन, अज उहनां पुत्रां ने झोलियां दे अंदर पत्थर पाए ने, पत्थर मार मार करके ते इस बंदे दी जनाब लाश नूं खत्म कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने लोगो, जिहड़ा बंदा अपने खुसम ते मान करेगा, जिहड़ा बंदा लोगां नूं हकीर समझेगा, ओ तेरा रंग काला है मैं बड़ा सोहना वा, जिहड़ा रंगा ते मान करेगा मैं इंज जलील कर छड्डांगा जिवें अबू लहब नूं जलील कीता है। ते मेरे पैगंबर ने पैगाम दिता है, फरमाया या अय्यो खन्नास, या अय्यो खन्नास, इन्ना रब्बाकुम वाहिदुन व इन्ना बाकुम वाहिदुन अला ला फजला लियारबियन वला आजमियन वला आजमियन अला रबियन वला अहमरा अला सवदा इल्ला बितकवा। और लोगों मेरे पैगंबर दा दूसरा पैगाम खुतबा हज्जतुल विदा दा आयत रात जीवकार तीसरे पैगाम ते गौर करना, मेरे जोर दुसां दे पीरो मुर्शिद दा ना बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, फरमाया लोगो फा इन्ना दिमागुम व मवालकुम हरामुन अलैकुम का हुरमत यौमिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा व फी शहरिकुम हादा। फरमाया लोगो तुहाडे ते तुहाडा खून हराम कर दिता है, तुहाडे ते तुहाडा माल हराम कर दिता है, कोई बंदा किसे दा खून ना बहाए, कोई बंदा किसे दा ना कमाल ना खाए। और लोगों मैं हत बन के गुजारिश करना वा, अज लोग जान दे दुश्मन बन गए ने, अज लोग माल दे दुश्मन बन गए ने, माल भी लुटी जांदे ने ते जाना भी कतल करी जांदे ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने लोगो तुहाडे ते तुहाडी जनाब जान ते माल हराम कर दिता है, किंज हराम कीता है, का हुरमत यौमिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा व फी शहरिकुम हादा। फरमाया जिद्दा ज मक्के दा मक्का ए हुरमत वाला जनाब शहर है ना, एदे अंदर कोई कतलो गारत नहीं हो सकती, इंज तुहाडे ते जनाब एक दूसरे दा माल भी खराम है, एक दूसरे दी जान भी खराम है, का हुरमत यौमिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा। फरमाया लोग तुहाडे ते जिस तरह हुरमत वाला मखीना है, ज़िलहज दा महीना हुरमत वाला है ना, जिदा एदे अंदर कोई गुनाह नहीं किया जाएगा, जिस तरह एदे अंदर कोई हुरमत वाला गम नहीं होएगा, इसे तरह तुहाडे ते जनाब जान माल आराम कर दिता है। ते लोगो गल सुनो, जिदा जिदा यौमे अरफा दा दिन हुरमत वाला इज्जत वाला एहतराम वाला है, इस तरह तुहाडे ते माल जान नूं एहतराम वाला बना दिता है, कोई किसे नूं कतल ना करे। ओ वीर सोनिया, मेरे पैगंबर ने तो 1400 साल पहला पैगाम दिता, अज लोग जान दे दुश्मन बन गए ने, अज लोग माल दे दुश्मन बन गए ने, चंद टकिया की खातर लोग लोगों को कतल करते नजर आते ने। मुजफ्फरगढ़ के इलाके के अंदर 5 जी माँ बाप ते जनाब 3 नन्ने मुन्ने बच्चे ने, 5, 6, 7 साल के बच्चे ने, जालमा बदबख्ता ने छुरिया पकड़ करके सारे मारिया। और मैं कहना अल्लाह की कसम जमीन कंब गई होगी जो बच्चों के सामने माँ को छुरी मार करके कतल किया जाएगा, और जो बच्चों जनाब कतल किया जाता होगा, जो बच्चों की गर्दना ते छुरियां चलाइया गई होगी, माँ के कलेजे रुग पै गया होगा, जो बच्चों के सामने बाप को कतल किया जाता होगा, उदो बच्चों के दिल से की बीतेगी। ओ ए बाप साढ़े जनाब दुख सुख का साथी, अज साड़िया अखों के सामने बाप को कतल किया जाता है, वह माँ जड़ी धुप दे वेले भी छां दे वेले भी अपने जनाब अपने जिसम ना लाल ला लेंदी है, अज साड़िया अखों के सामने साड़ी माँ को कतल किया जा रहा है। और लोगों लोग तो जाना दे दुश्मन बन गए, दूर की जाना
करा तेरे गांव की मिसाल है। सके भाई ने अपने भाई नु कतल किया टोटे करके जनाब बोरे दे अंदर पा के गंदी नहर दे अंदर छोड़ दिता। और मैं पूछना जाना वा और लोगों सवाल करना जाना तो बन के पूछांगा मेरे पैगंबर ने जान कराम की थी है तू सके भाई दा दुश्मन बन गया। कजलिया दे अंदर बेटे ने अपने बाप नु कतल किया सिर्फ दौलत दी खातर कसूर दे इलाके दे अंदर पत्तो की दे अंदर। ओए गरीब पापड़ वेचन वाला पापड़ वेचदा वेचदा अपने बच्चियां दी खातर चंद टके जनाब लैण दी खातर अपनी जान गवा बैंदा है। वलीमे ते जनाब बदा पापड़ वेचदा वेचदा इस शादी हाल दे बाहर आया इन्हां जालमां ने मारिया इस नौजवान नूं मार मार करके जमीन ते सुट दिता। ओए पापड़ वेचन वाला बंदा उन्हों गरीब समझ करके माड़ा समझ करके उन्हों तड़फा तड़फा के मारिया। और मैं कहना यार जमीन क्यों नहीं फट गई आसमान क्यों नहीं जनाब दड़म करके जमीन ते आ गया। और वीर सोलिया तेन मरना भुल गया तेन रब दे कुरान तो जनाब डर क्यों नहीं लगता तेन रब दे अदाब तो डर क्यों नहीं लगता क्यों जनाब अपने माँ बाप का दुश्मन बन गया क्यों अपनिया जाना का दुश्मन बन गया। और लोगों मैं तो इतों तक अल्लाह की कसम पड़ी है कि लोग इतों तक सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है सकी माँ का बेटा दुश्मन बन गया है सके बाप का बेटा दुश्मन बन गया है। हजरात अल्लाह की कसम एक मैं वाकया पढ़िया मेरी अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो गए ने जिसम के अंदर जान निकल गई। अल्लाह ऐसे भी जालम इस दुनिया पर मौजूद ने। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कहते हैं मैं चीचा वतनी तकरीर तो वापस आता पिया वा तो जनाब वापस आ रहा वा एक नौजवान गली दी नुक्कर ते उहदी चार पई पई है ते जिसम सारे दे अंदर बदबूआं फैलियां ने सारे जिसम दे अंदर जनाब कीड़े पै होए ने मक्खियां बैठियां हो गई ने सारे जिसम चो गंदी पीप ते कचलू निकलदा पिया। कहन लगे मैं नौजवान कोल आया वा मैं आख्या नौजवाना गल की बनी है ओए की हो गया जवाना लोग जड़े नगदे ने ओह भी तेनू पत्थर मारदे ने लोग तेरे ते जनाब जुतियां मार के जांदे ने। कहन लगा मौलाना फरमांदे ने मैं जदों गल कही ना उन्हें मेरा जल्दी जल्दी हाथ पढ़ लिया ते हाथ पढ़ के नाले हाथ चुमी जांदा है नाले रोई जांदा ते कह लगा कारी साहब मैं दुनिया दा ओ बदनसीब इंसान हाँ जिन्हें अपनी माँ दे चेहरे ते जुत्ती मारी है। मैं ना एक दिन रात अपने जवाना दे नाल सहन में तो वापस आया मेरी माँ ने मैनू बोलना शुरू कर दिता कहन लगी पुत्र मैं तेरी खातर की कीता है मैं तेरी खातर अज तक मेहनत मजदूरियां करके तेनू पालिया अज तू जवाना दे पिछे लग अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद करी जाना है। कहन लगा कारी साहब नु गुस्सा आया मैं माँ दा जूता उठा करके माँ दे चेहरे ते मार दिता। कहन लगा मैं तीन जुतियां माँ दे चेहरे ते मारियां ते माँ दियां चीखा निकलियां ते नाले मास माल वल मुंह करके कहंदी अल्लाह इस कुत्ते नु जलील कर दे अल्लाह इस कुत्ते नु दुनिया दे अंदर भी जलील कर अल्लाह आखिरत दे अंदर भी जलील कर। कहन लगा मौलाना माँ ते पांच सात दिन जनाब जिंदा रहिए इस गम दे अंदर रो रो करके माँ ते दुनिया तो चली गई है लेकिन मैं जनाब उस दिन तो लैके जदों तो माँ ने बदवा दिती है ना दूसरे दिन ही अल्लाह की तरफ मेरे ते बीमारी आ गई है एक लत कटवानी पई है दूसरी लत कटवानी पई है बाकी सारे जिसम के अंदर गंदा जनाब खून ते पीप निकलता पिया। कहन लगा कारी साहब मैं ते माँ दा गुस्ताख हाँ मेरी माँ ने मैनू बदवा दिती है ताज मेरे ते ना बुरा वक्त आ गया है लोग भी लामता पाते ने लोग भी जना बुरा कहते ने। और जवानों मैं हाथ बन के गुजारिश करांगा अपने माँ बाप नू दुख ना दिया कर और माँ ते अल्लाह दी कसम ओ ठंडी जाऊं दी है और जो मर्जी खो जाए माँ कहंदी पुत्र मेरा सारा कुछ लुट दे ते लुट जाए पुत्र तेनू मैं प्यासा नहीं मरन दिंदी पुत्र मैं तेनू भुखा नहीं मरन दिंदी और माँ ते अल्लाह दी कसम लोगों के चरखे कत कत करके भी तेनू पाल दिंदी है ते जो तू जवान बन जाना है उस माँ नू गालां कढ़ जाना है और जेड़ा बाप तेरी सारी जिंदगी तेरी खातर सारी जिंदगी तेरी खातर तेनू पालदा बुढ़ा हो जाता है। बाप कहंदा पुत्र मैं जनाब सारी जिंदगी मेहनत करांगा धुप दे अंदर भी मेहनत करांगा छां दे अंदर भी मेहनत करांगा पुत्र बारिश होए तां भी मेहनत करांगा मैं तेनू प्रोफेसर बनाना है मैं तेनू लैक्चरार बनाना है मैं तेन
तेनों डॉक्टर बनाना है, लेकिन बद नसीब जो डॉक्टर बन जाता है ना, उस बाप की थुक बर्दाश्त नहीं करता, उस बाप का तुरना बर्दाश्त नहीं करता। कहता बाबा मेरे घर के अंदर थुका सुटदा तेन शर्म नहीं आती, उस जालमा तेरा कलेजा क्यों नहीं फट जाता जो तू बाप में इस तरह के जुमले कहना है, वो तेरी जनाब जान क्यों नहीं निकल जाती बद नसीबा जो बाप ने तू जना बुरा कहना है। आया मेरे पैगंबर दे कोले कान वाला आया, कह लगा सोनिया मेरा बाप मेरा मैनू बड़ा परेशान करता है, मेरा बाप मैनू बड़ा दुख दिंदा है, ऐवें पैसे चुकदा ते ले जांदा है, मैनू पुछदा कोई नहीं, मैनू दसदा कोई नहीं। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अगले दिन आवीं ना ते अपने बाबे नू नाल लैके आवीं। आया नौजवान अपने बाबे नू लै करके बाबा सामने बैठा ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने बाबा ए पुत्र तेरियां शिकायतां लांदा है, तेरा पुत्र तेरियां शिकायतां लांदा है, मेरा बाप बगैर दसे पुछे पैसे लै जांदा है, क्यों बाबा इंज क्यों करना है। हज़रात जरा दिल ते हथ रख के सोचना, बाप दा दिल किड्डा नरम हुंदा है, मां दा दिल किड्डा नरम हुंदा है। मेरे पैगंबर गल करदे ने ते बाबा ठाई मार के रो पिया, बाबा ठाई मार के रोया ते नाले कह लगा सोनिया इस कोलो पुछो ते सही ना, ओ वक्त क्यों भुल गया जो मैं अपने बच्चे नु सीने ला के लै जांदा, जो बाजार दे अंदर जांदा मेरा पुत्र जो कहंदा मैं लैके दे दिंदा, जड़ा कुछ मंगदा मैं लैके दे दिंदा, एक चीज मंगदा मैं वह भी लै दिंदा, दूजी मंगदा मैं वह भी लै दिंदा, जिथे हाथ रखदा मैं वह चीज लैके दे दिंदा। मेरे पैगंबर पहले नबी गल करदे सन ते बाबा रोंदा सी, हुण मेरे पैगंबर ओ बाबा गल करदे ते मेरे पैगंबर रोंदे ने। आ गई ना याद मेरे पैगंबर नूं अपने मां बाप दी, आ गया याद मेरे पैगंबर नूं अपना बचपना, ओ जदो मां सिर ते कोई नहीं बाबा सिर ते कोई नहीं, चाचे दा साया भी उठ गया, दादे दा साया भी उठ गया, ओ वीर सोनिया बंदा ओ तो रोंदा है, ओ तो कुरलांदा है, ते कबरां ते जा करके रोया करदा है। अल्लाह दी कसम मैं तेंज क्या करना वा, मैं ते खुद अपनी अखां नाल वेख्या से नौजवानां नूं जिहड़े कल मां बाप नूं तंग करदे सन, अज दा वक्त ते नुकरां लभदे फिरदे ने रोण वास्ते, कोई इधरली नुकर ते लगा रोई जांदा है, कोई इधरली नुकर ते लगा रोई जांदा ते कहंदा बाबा एक वारी आ जा, बाबा एक वारी त्याग करके जब्बी पा ना, बाबा एक वारी त्याग करके मैनूं माफ करना। लेकिन सोने अज जो बाप टुर जाए अल्लाह की कसम नहीं आया कर दे, ताई ते मैं मुहब्बत दे जुमले बोलिया करना वा, मैं ताई ते अक्सर पैगाम दिया करना वा, हम रह गए हैं तनहा बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, हम रह गए हैं तनहा बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, है ईद का दिन घर आ बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, मैं तनहा पढ़ने जाता हूँ तनखा ही लौट के आता हूँ, मैं तनखा पढ़ने जाता हूँ तनखा ही लौट के आता हूँ, कोई लेने नहीं आता बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, जब आप थे बाबा रौनक मेले थे, अब ईद के दिन भी अकेले थे, जब आप थे बाबा रौनक मेले थे, अब ईद के दिन भी अकेले थे, कोई मिलने नहीं आता बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, है ईद का दिन घर आ बाबा एक बार तू लौट के आ बाबा, आ जाएंगे बाबा माँ कहती है बस
कह के रोती रहती है। आ जाएंगे बाबा माँ कहती है, बस कह के रोती रहती है। हम जाते हैं घबरा बाबा, एक बार तू लौट गया बाबा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं इन्ना फइन्नमा फइन्ना दिमाकुम व मवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम आदा व फी बलदिकुम खादा व फी शरिकुम खादा। फरमाया लोगो तुहाडे ते तुहाडा तुहाडी जान ते माल तुहाडे ते हराम कर दिता है। यह है मेरे पैगंबर अली सलाम दा खुतबा हज्जतुल विदा। लोग ये तो सबक सीखो मेरे पैगंबर दा। अल्लाह दी कसम एक एक पॉइंट लैके जनाब बयान किया जाए। वक्त बड़ा दरकार है, वक्त बड़ा चाहिए है। वक्त की किल्लत के पेश नज़र सिर्फ इत्थे इक्तफा करांगा।